नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें पहले अब मेडिकल टेस्ट होगा या फिर मेरिट लिस्ट डलेगी। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने यहाँ पर कमेंट करके पूछा है कि पहले क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा या फिर मेरिट लिस्ट डलेगी या फिर बनेगी। तो दोस्तों, आपके लिए बता दें कि आखिरकार पहले क्या होना है, किस प्रक्रिया से यहाँ पर आगे की प्रक्रिया होगी, स्टेप बाय स्टेप में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और नए मेहमानों से निवेदन है, यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी नया अपडेट आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिरकार पहले क्या होने वाला है। दोस्तों, आपके लिए हम बता दें कि जो भी यहाँ पर जितने भी विद्यार्थियों की यहाँ पर रनिंग कंप्लीट हो गई है, हर कुछ सब कुछ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर वो फ्री बैठे हैं अभी, तो उनके बाद जो 6 और 7 जनवरी को यहाँ जो रनिंग चल रही है, उन सभी विद्यार्थियों को रनिंग कंप्लीट होने के बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ का सभी का एक साथ सबसे पहले होने वाला है मेडिकल टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अब होने वाली प्रक्रिया है वह है मेडिकल टेस्ट। जैसे ही सभी विद्यार्थियों को जो कि 3 स्टॉपों में हुआ है, जो कि पहले रिजल्ट आया था उसके विद्यार्थी, सेकंड रिजल्ट आया था उसके विद्यार्थी, और जो तीसरा राउंड चल रहा है रनिंग का, तो इन सभी सभी को मिलाकर जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर रनिंग में कंप्लीट हो गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो फिजिकल और रनिंग में जितने भी सभी कंप्लीट हो चुके हैं, उनके बाद दोस्तों अब आगे जो होने वाला है वह सबसे पहले होगा यहाँ पर मेडिकल टेस्ट। दोस्तों, जितने भी मेडिकल टेस्ट में बंदे यहाँ पर निकलेंगे उसके बाद सभी का एक साथ यहाँ पर होने वाला, जैसे सभी विद्यार्थियों का मेडिकल हो जाएगा और जितनी की यहाँ पर पोस्ट है, जितनी पोस्ट निकाली गई थी उस पोस्टों के आधार पर यदि विद्यार्थी ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी, या फिर जितने कम रह जाते हैं, यहाँ पर 100-200 विद्यार्थी कम भी रह जाएंगे तो आपके यहाँ पर मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी और ना ही दूसरा रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर होने वाला है आप सभी का मेडिकल टेस्ट। यहाँ पर जब मेडिकल टेस्ट होने के बाद भी बहुत सारे विद्यार्थी बचते हैं ऐसे जिन जो कि रिक्त पदों से संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो उसके बाद यहाँ पर मेडिकल के बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, या यूँ बोल सकते हैं कि जितने भी पोस्टें खाली नहीं, जितनी पदों पर रिक्तियाँ निकाली गई थी, यदि उससे अधिक विद्यार्थी होते हैं तब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, नहीं तो आपकी मेरिट लिस्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि यहाँ पर मेडिकल टेस्ट डिस्क्वालीफाई होते हैं, अधिकतर सभी लोग यहाँ पर मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले इसे यहाँ पर होने वाला है मेडिकल टेस्ट, उसके बाद में यदि मेडिकल टेस्ट में ज़्यादा विद्यार्थी बचते हैं तो आपके यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यही जानकारी आप तक पहुँचानी थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने चैनल शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।